दोस्तों, फिल्म शान का गाना नाम अब्दुल है मेरा मजर खान पर फिल्माया गया था और पूरी दुनिया उन्हें जीनत अमन के पति के तौर पर भी जानते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही किस्से बताने वाले हैं जिसका जिक्र कम ही होता है। 1979 में आई फिल्म संपर्क से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले मजर खान ने 10 सालों में 50 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। मजर खान को लोग आज भी रमेश सैपी की फिल्म शान के उस किरदार से पहचानते हैं जिसका रोल तो भिखारी का था लेकिन काम बड़ा था। इस फिल्म में उन्हें एक किरदार कैसे मिला, इसका भी किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। मजर खान दिल्ली में एक डिस्को नाइट क्लब में हनी ईरानी और जावेद अख्तर को मिले थे। हनी ने मजर खान का परिचय जावेद अख्तर से करवाया। जावेद अख्तर ने मजर खान से कहा कि अगर वो एक फिल्म करना चाहते हैं तो अपनी कुछ तस्वीरें मुंबई आकर उनके दफ्तर में छोड़ दें। उस जमाने में ऐसा ही होता था, तब न तो ईमेल थे और न ही आज की तरह सोशल मीडिया। मजर खान ने ऐसा ही किया। इसके कुछ दिनों बाद दोनों की मुलाकात एक पार्टी में, तब जावेद अख्तर ने मजर खान को बताया कि रमेश सिप्पी ने उनकी तस्वीरें देख ली है और वो उन्हें काम देना चाहते हैं। इसी दौरान मजर खान से जुड़ा एक किस्सा मशहूर है। रमेश सिप्पी की इस फिल्म में सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी गुलजार, परवीन बॉबी, बिंदिया गोस्वामी और कुलभूषण खरबंदा काम कर रहे थे। जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है वे जानते हैं कि इस फिल्म का मुख्य खलनायक साकाल था जिसका किरदार कुलभूषण खरबंदा ने निभाया था। जिन दिनों फिल्म बन रही थी उन दिनों बहुत से लोगों को धोखा हो गया था कि फिल्म में मजर खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। लोगों का मानना था कि रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में अमजद खान खलनायक में थे, इसलिए रमेश सिप्पी एक बार फिर से अपनी फिल्म में भी एक और खलनायक के रूप में खान को लॉन्च करने वाले जा रहे हैं। मजर खान की फिल्मोग्राफी अगर देखा जाए तो रमेश सिप्पी की फिल्म शान उनकी सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है और इसलिए इस फिल्म से ही उनके कई सारे किस्से भी जुड़े हुए हैं। साल 1981 में आई फिल्म रूही को मजर ने अपने बयान में अपने करियर की बहुत बड़ी गलती बताया था। मजर खान और इस फिल्म की अभिनेत्री जरीना वहाब के बीच एक गहरा रिश्ता पनपने की खबर इस दौरान खूब फैली थी। लोग बताते हैं कि मजर और जरीना के बीच रिश्ते की अफवाह फैलाना असल में इस फिल्म को शोहरत दिलाने का एक चाल थी जिसके चलते दोनों का नाम तो कुछ खास न हुआ लेकिन दोनों के हिस्से में बदनामी जरूर आई। मजर खान ने अपने करियर की शुरुआत 1979 में की और 1983 में वो एक फिल्म के निर्माता भी बन गए। फिल्म का नाम था बॉम्बे फैंटेसी और जिन लोगों ने भी इस फिल्म को देखा है वे मान बैठे कि देश की पहली पोर्नोग्राफी फिल्म है। इसके निर्देशक थे पंकज सिंह। इस फिल्म को बनाने के बाद मजर को तमाम कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मजर खान ने जीनत अमन से शादी की ये तो दुनिया जानती है लेकिन उससे पहले वो दिलीप कुमार की भतीजी रुबीना से भी शादी कर चुके थे। ये बात बहुत कम लोगों को पता है और आपको बताते मजर खान ने उससे भी पहले एक मॉडल नंदिनी से शादी की थी। मजर खान ने जीनत अमन से तीसरी शादी रचाई थी। जीनत अमन संजय खान से हुई अपनी शादी को भूलना चाहती थी क्योंकि उससे उनकी बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई थी। जीनत ने मजर से शादी की लेकिन उन्हें यहाँ पर भी वही कड़वा जहर पीना पड़ा। मजर के साथ जीनत के संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। दरअसल मजर खान का करियर कुछ ठीक नहीं चल रहा था और वो जीनत को काम नहीं करने देना चाहते थे। इस वजह दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। आरोप ये लगा कि मजर गुस्से में आकर जीनत को पीटा करते थे। जीनत चाहती थी कि वो मजर से तलाक ले ले लेकिन बात तलाक तक पहुंचने से पहले ही मजर खान इस दुनिया को अलविदा कह गए। जीनत अमन ने मजर खान से शादी तब की थी जब वो एक सुखी परिवार बसाना चाहती थी। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने मजर से शादी इसलिए की ताकि वो सुकून से रह सके और बच्चे पैदा कर सके। शादी से पहले उन्हें मजर बहुत शरीफ लगते थे लेकिन मजर का असली चेहरा तो उन्हें बाद में ही नजर आया। जीनत अमन ने बताया कि जिस समय वो प्रेग्नेंट थी तब उन्हें मजर की सबसे ज्यादा जरूरत थी लेकिन मजर उस समय उनको लेकर इतने बेपरवाह थे कि उस समय वो जीनत के साथ नहीं थे। मजर खान अभिनय में तो नहीं चले तब उन्होंने सोचा शायद उनका सिक्का फिल्म निर्माण और निर्देशन में चमक जाए, इसलिए उन्होंने जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर और कुमार गौरव को लेकर एक फिल्म बनाई। नाम था गैंग। इस फिल्म पर उन्होंने साल 1991 में काम करना शुरू किया था लेकिन इसी समय मजर की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई और वो बीमार रहने लगे। 1998 में मजर ने इस दुनिया को छोड़ दिया। ऐसी ही है जीनत अमन के पति मजर खान की दास्तान।